विषय से महाभारत काल के प्राचीन शहर और गांवों के वर्तमान नाम। महाभारत काल में जिन नगर शहर और गांव जनपदों के जो नाम थे उनमें से वर्तमान में कुछ ही नाम मिलते हैं। समय के साथ उन नामों से बदलाव होता गया। हालांकि बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें आज भी कहीं उन्हीं नामों से पुकारा जाता है। जिन नामों से महाभारत काल में पुकारा जाता था जैसे मथुरा, काशी, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सोमनाथ, कुरुक्षेत्र आदि। आओ जानते हैं कि आज उन शहरों और गांवों की किस नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र को आज भी कुरुक्षेत्र ही कहा जाता है जो हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र के पास अभिमन्युपुर था जिसे वर्तमान में अमीन के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र के पास ही जयंता नाम का एक क्षेत्र है जिसे वर्तमान में जिंद कहा जाता है। जिंद अब हरियाणा का एक जिला बन गया है। उसी तरह पानीप्रस्थ को पानीपत, सोनीप्रस्थ को सोनीपत और व्याघ्रपत को बागपत कहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। हाल ही में यहाँ हुए उत्खनन में महाभारत के काल के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। बागपत से 4000 वर्ष पुराना रथ मिला है। बागपत उसी हस्तिनापुर के ऐतिहासिक साम्राज्य का हिस्सा है जिसके लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इस रथ और उसके पहियों में अच्छी क्वालिटी का ताबा लगा हुआ है जिसके चलते ये इतने हजार वर्ष तक सुरक्षित रहा। पानीप्रस्थ को अब लोग पानीपत के नाम से जानते हैं। वही सोनीप्रस्थ अब सोनीपत और व्याघ्रपत अब बागपत बन गया है। हस्तिनापुर राजा हस्तिन पर रखा गया है। नाम आज भी स्थान मेरठ के पास है और मथुरा ऐसी दो जगह जिनके नाम में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। आखिर में गुरुग्राम जिसे मॉडर्न समय में गुड़गांव कहा गया है लेकिन अब ये एक बार फिर अपने प्राचीन नाम गुरुग्राम में जाने जाने का लगा है। कुरुओं का क्षेत्र था मेरठ और थानेश्वर। उनके पास था क्षेत्र और राजधानी थी पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ। जिन स्थलों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, वाखान, बगराम, पामीर, बदखशरा, पेशावर, स्वात, चारसद्दा आदि उन्हें महाभारत काल में क्रमशः कुंभैया, कुहका, गंधार, बाल्ही, कपिशा, मेरू, कम्बोज, पुरुषपुर, ये पेशावर, सुवास्तु, पुष्पा कालीवती आदि के नाम से जाना जाता है। अस्तु।